एक माँ की सच्ची कहानी। एक बार की बात है, जैक नाम का एक युवा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। जैक एक अकेला बच्चा था और उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ थे। उन्होंने उसे प्यार और स्नेह से नहलाया और जैक ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वह आभारी था। एक दिन जैक के माता पिता बीमार पड़ गए और हर बीतते दिन के साथ उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जैक तबाह हो गया था और उनकी देखभाल करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जैक अपने माता पिता के बिस्तर के पास बैठा, उनका हाथ पकड़कर चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही वह वहाँ बैठा, विचारों में खो गया, उसे गांव के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की याद आई जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पास उपचार करने की शक्तियां हैं। जैक ने सुना था कि यह आदमी गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकता है और इसलिए वह उसे खोजने निकल पड़ा। एक लंबी यात्रा के बाद जैक ने आखिरकार बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ लिया और उसे अपने माता पिता की स्थिति के बारे में बताया। बूढ़े ने ध्यान से सुना और फिर जैक से कहा कि वह वास्तव में अपने माता पिता को ठीक कर सकता है, लेकिन एक पेच था। जैक को एक जादुई फूल वापस लाना होगा जो केवल एक दूर देश में उगता है, खतरे और संकट से भरी भूमि। बिना किसी हिचकिचाहट के जैक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने माता पिता और उनके द्वारा दिए गए प्यार के बारे में सोचा और वह जानता था कि उसे उनके लिए फूल वापस लाना होगा। अंत में अनंत काल की तरह लगने के बाद जैक जादुई फूल लेकर लौटा और बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को भेंट किया। बूढ़े व्यक्ति ने फूल लिया और एक स्पर्श से उसने जैक के माता पिता को ठीक कर दिया। कृतज्ञता से अभिभूत जैक ने अपने माता पिता को कसकर गले लगाया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उस दिन से उन्होंने उनके साथ बिताए हर पल को संजोया और अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई बातों को वह कभी नहीं भूले। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता के लिए एक बच्चे का प्यार वास्तव में एक ऐसा बंधन है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। यह एक बंधन है जो जीवन भर और उससे आगे तक रहता है और यह प्यार और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाता है। तो मित्रों, यह छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी स्टोरी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।